मामला टिकारी थाना क्षेत्र के मालसारी गांव निवासी प्रेम नारायण अकेला ने बताया कि मेरे पृथक जमीन को कई वर्षों से दमंग प्रवृत्ति के लोग राजकुमार राउत और सरोज देवी ने कब्जा कर लिया है, जिसकी शिकायत DCLR टिकारी कार्यालय में किया गया है, जहां से आदेश दिया गया कि अतिक्रमण एवं दखल कब्जा हटाया एवं मुक्त किया जाए। लेकिन दमंग व्यक्ति के द्वारा आज तक उस आदेश का भी अवहेलना किया जा रहा है। स्थानीय थाना को जब पत्रकार द्वारा जानकारी दिया गया तो थाना और पंचानपुर ओपी के अधिकारियों के कान में तेल डालकर दबंग व्यक्तियों के सामने नतमस्तक बने हैं। क्या पुलिस प्रशासन से दखल करने वाले व्यक्ति वाकई में दबंगे हैं या पुलिस को कार्रवाई में डर लग रही है? बाबू, गांव घर के पंचायती से बात भी नहीं माना, जबकि हमारा अपना रहती जमीन में कब्जा किए हुए है। कितना दिन से? करीब 10 बरस से। अच्छा। उसके बाद मुखिया के पूर्ण से भी अथी करवाया, उसे भी बात नहीं माना, फिर दोबारा पंचायती करवा, जो उसका प्रूफ मेरे पास है। पंचायती के अलावा कहीं अधिकारी को आवेदन दिए थे? ना, वहीं कोर्ट में दिए। फिर कौन सा कोर्ट में? टिकारी। अच्छा। अंचल DCR के यहाँ। अच्छा। तब वहाँ से भी न्याय मिल गया। अच्छा। उसने कहा कि इनको जो है से कि नापी करा करके सरकारी अमीन के द्वारा दखल दिया जाए, तो फिर दखल अमीन का नापी भी हो गया, वो भी सब सबूत वहाँ दे दिया, और फिर उसके बाद दखल के लिए मांग भी किया है, लेकिन इस दमंगता के कारण फिर दखल के लिए आवेदन दिए हैं। हाँ। कितना दिन हो गया? ये तो दिए थे, यही 29/10 के दिए हैं। कितना दिन हो गया? 29/9 एक महीना से ऊपर हो गया। अच्छा, अभी तक कोई आदेश सुधा से नहीं आया है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं अपना दखल कब्जा दिया जाए। अब इन लोग दमंग है, जब न तब लाठी भल है, बल पर दबाता है, मारपीट भी किया जाता है। मारपीट तो नहीं, गाली गलौज किया जाता है और धमकी वगैरह भी धमकी दिया जाता है कि गोली मार देंगे, इसे करेंगे वैसे करेंगे। हैं? थाना कौन सा आपका? टेकारी। टेकारी थाना है। ओपी कौन है? ओपी है पंचानपुर। कहाँ रहते हैं आप? आप मलसारी में। क्या नाम आपका? प्रेम नारायण अकेला। पंचायत? जिघौरा। तो मुखिया वगैरह से सहयोग नहीं मिलता है? ना, अभी कोई मुखिया से सहयोग नहीं मिलता है। गाँव के पंचायती करवाए थे दो बार। पहला भूतपूर्व जो मुखिया थे वो तो बेचारे मर गए, उनका भी इंसाफ किया हुआ जो किए थे उसका भी कागज मेरे पास है जो लिखित है। और फिर दोबारा जब पंचायती करने के लिए जब गांव समाज बैठा तो उसका भी मेरे पास एक साफ शब्दों में कहा कि न हम पंच मानते हैं, न कागज मानते हैं, हैं लाठी डंडा के बल पर जो उन लोग अपना लिखित कहा कि गुरु जी हम लोग क्या करें, अब आप लोग के साथ चलते लाठी तो नहीं चला सकते। मतलब DCR का आदेश का भी उल्लंघन किया जा रहा है? हाँ, उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है, वो भी